हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम राइज। आज स्टूडेंट लोग बात करने वाले बैंक नोट प्रेस दिवस की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। सो यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन सारे लोग एलिजिबल है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हिसाब से। तो सारे डिटेल्स बात कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें SMPCIL के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। सो ये शॉर्ट नोटिस है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं, वो 12 तारीख से आएगा, 12/5/2021 से, और जो चलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 11/6/2021 तक चलेगा। लास्ट डेट जो आपका रहेगा, टेंटेटिव डेट्स आपके दे दिए गए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, जो कि जुलाई या अगस्त में होंगे, डिपेंडिंग द सिचुएशन, जैसा करंट सिचुएशन रहेगा। फिर आपका टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी उसी आसपास में लिया जाएगा आपका। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिप्लोमा वाले के लिए कौन सा है। तो यहाँ पे आपको सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा, जिसमें डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है, एज वेल एज बीटेक भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द आईटी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हायर क्वालिफिकेशन डेट इज बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेंड विल बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड। सो आपका अगर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, या फिर आपका अगर बीटेक है या फिर बीएससी भी है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पोस्ट यहाँ पे सिर्फ वन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पोस्ट तो है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे पोस्ट के, जिसमें आपको आईटीआई के लिए मांगा गया है। तो सबसे पहले आईटीआई मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सबके पास होता है अधिकतर, उसी के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉन्ग विथ वन ईयर नैक सर्टिफिकेट, जो कि आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है एनसीबीटी से, वो होना चाहिए। तो ये कंपलसरी आईटीआई के साथ आपको अप्रेंटिसशिप हुआ होना चाहिए एनसीबीटी से, तो इलेक्ट्रिकल के लिए। देन यहाँ पर बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल अलॉन्ग विथ वन ईयर, आपको इसमें भी अप्रेंटिसशिप मांग दिया गया एनसीबीटी से। तो ये दोनों पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं दो और पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इंक फैक्ट्री है जो जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पे 60 पोस्ट है, और यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में 23 पोस्ट है। बट यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो कुछ लोगों के पास होता है। सो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है सब किसी के पास हो, अलॉन्ग विथ वन ईयर, इसमें भी आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांग दिया गया एनसीबीटी से। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग का, तो यहाँ फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड डेट इज लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैंड कंपोजिंग, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर अलॉन्ग विथ वन ईयर नैक सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीबीटी। सो इसमें भी आपको अप्रेंटिसशिप रखा गया, तो आईटीआई में जिसमें भी है वन ईयर का अप्रेंटिसशिप रहेगा ही रहेगा। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पे दिवस बैंक नोट प्रेस में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 15 पोस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं SMPCIL यूनिट में आपको सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए वन है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो कि सिमिलर है इसके लिए 3 पोस्ट है। तो इसके लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपको टाइपिंग मांगा गया है। सो मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 15 पोस्ट, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एट द रेट आपको 40 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अब यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो अलग से है, जिसमें सिर्फ सिंगल पोस्ट है, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज, स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश, आपको इसमें स्टेनोग्राफी मांगा गया इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक भी होगा चलेगा, 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड आपको वही 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी, डिजायरेबल में आपको मांगा गया प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटरियल जॉब, तो आपको ये डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं कि ये हो, एसेंशियल में आपको ज़रूरी चीज़ है। सो अब यहाँ पे लास्ट डिटेल जो आपका एज लिमिट है देख लीजिएगा, यहाँ पे 30 इयर्स, 28 इयर्स और 25 इयर्स आपको आईटीआई वाले के लिए मांगा गया है। सो यही था, आपको 12/5/2021 से आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन और चलेगा 11/6/2021 तक। जो फुल नोटिफिकेशन है और जितने भी आपको डिटेल्स रहेंगे वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे 12/5/2021 को। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कोई भी अपडेट रिगार्डिंग इसके नहीं है, लास्ट आपको 31/3/2021 का है। तो ये आपको 12 तारीख को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नोटिफिकेशन का भी और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी।
अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।